नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से, दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, सो रहे थे क्या? शायद आपने अच्छे से सुना नहीं। एक ही सवाल है, छोटा सा सवाल है, सो रहे थे क्या? अगर हाँ तो एक बात याद रखिए, आप सो रहे हो, कोई दूसरा IBPS PO मेंस की तैयारी कर रहा होगा, RRB के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होगा, या फिर IBPS क्लर्क के प्री की तैयारी कर रहा होगा। आप उससे कंपटीशन कर रहे हो जो बंदा तैयारी कर रहा है, और आप सो रहे हो। सोना छोड़ो, तैयारी करो यार। सोना जिंदगी भर है। एक इंसान को सिर्फ 4 घंटे की नींद भी पूरे दिन भर काम करने के लिए एनर्जी दे सकती है, अगर आप खुद चाहो तो। आप खुद ही नहीं चाहते ना, मेन चीज ये है कि आप खुद ही नहीं चाहते। आपको क्या लगता है 8 घंटे नहीं सोएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी? बेटा 16 घंटे नहीं पढ़ोगे ना तो जॉब भी नहीं लगेगी। ये किसी ने नहीं सिखाया तुमको, ये कोई नहीं बोलेगा तुमको कि बेटा 16 घंटा नहीं पढ़ोगे तो तैयारी नहीं होगी तुम्हारी, क्योंकि दूसरे पढ़ रहे हैं। लोग सिर्फ आपको यही बोलेंगे, बेटा 8 घंटे की नींद तो आपको मस्ट है, मतलब सोना ही है 8 घंटे। कुंभकर्ण बन जाओ ना यार, 6 महीना सो लो। सोना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोना छोड़ो, पढ़ना चालू करो। जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछो यार, अरे कितनी जिंदगी, कितनी क्या क्या इफेक्ट पड़ जाएगा जिंदगी पे 70 साल की। ठीक है चलो, मैं मानता हूं, बहुत लोग ये बोलते हैं ना सर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, 8 घंटे ना सोए तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। यार तुम 90 साल जी लो, चलो ठीक है मैं मानता हूं तुम 90 साल जी लोगे, मैं 4 घंटे सोता हूं, मैं 85 ईयर्स जी लूंगा, 5 साल कम दिया तुमसे, ठीक है। पर वो बुढ़ापे में वे 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 करके, मतलब ना दांत हैं ना कुछ है, ना तुम चल पा रहे हो, वैसी 5 साल की जिंदगी से बेस्ट है ना कि आप अपनी 50 साल की जिंदगी अच्छी करो। क्या बेस्ट है आप खुद सोचो। मैं कौन होता हूं आपकी जिंदगी का डिसाइड करने वाला कि भाई आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, खुद सोचो, खुद डिसाइड करो। 90 साल जीना है वैसा, मतलब बुढ़ापे की जिंदगी जीना है आपको, जिसमें आप ना चल पा रहे हो, ना आपके दांत है, ना आप कुछ खा पा रहे हो, मतलब बाथरूम भी जाना है तो आपके बच्चे आपकी हेल्प कर रहे हैं, या आपके नाती पोते जो भी होंगे उस टाइम पे वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो जिंदगी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या वो 50 साल की जिंदगी जब आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है? इस बात को सोचो थोड़ा सा। सोना इंपॉर्टेंट, हेल्थ खराब हो जाएगी, मत सोचो हेल्थ का। क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 90 साल नहीं जिएंगे ना, अरे 5 साल की बात किया था, चलो छोड़ो 90 के बजाय 70 में मर जाएंगे तो क्या होगा, 70 साल तो शान से जिएंगे, वो 70 साल तो कम से कम आप अपनी, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी आपके अंदर कि हाँ भाई ठीक है, जितना जिए बहुत अच्छा किए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत बेस्ट किए। वो 20 साल जी के भी क्या कर लोगे? लाइफ की थिंकिंग हर किसी की अलग होती है, पॉजिटिव थिंकिंग अलग होती है। मैं चाहूं तो मैं क्या नहीं कर सकता यार, 4 घंटे की मुझे क्लास लेनी होती है, ठीक है उसके बाद सो, आराम करो, क्या करना है, 1-2 घंटे 3 घंटे और काम कर लो, ठीक है क्या करना है? नहीं, क्यों भाई, भगवान ने आपको एनर्जी इतनी दी है तो यूटिलाइज करो ना। प्लस क्लास में तो मैंने बताया हुआ है ये चीज, एक इंसान अपनी 100% एनर्जी को कभी यूटिलाइज नहीं करता, सिर्फ 20% एनर्जी को यूटिलाइज करता है। जो प्लस वाले मेंबर्स हैं वो वाली क्लास देख लेना, किसी से पूछ लेना, मुझे तो याद भी नहीं मैंने कब बताया था, आज से शायद 7 या 8 दिन पहले मैंने बताया था। यूटिलाइज तो करो उस चीज को। समझदार लोग बहुत समझदार होते हैं, समझ जाएंगे बात को, जो नहीं समझते गाली वाली देंगे, दे दो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बता रहा हूं, आजकल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो मैंने एक इंटरव्यू वाला वीडियो डाला था मोनिका के साथ,
बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स की, बहुत से लोगों ने, मतलब दुनिया में जैसे मतलब उन लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है। अभी बुरा लग रहा होगा काफी लोगों को, मतलब काफी लोग अंदर से गाली दे रहे होंगे, भाई तुमने लाइफ में क्या किया है जो तुम किसी और को बोल रहे हो? तुमको ज्यादा पता है कि उसको ज्यादा पता है? तुम किसी लाइफ के लिए डिसीजन नहीं ले सकते, अपनी लाइफ का डिसीजन तो पहले खुद ले लो, उसके बाद किसी और की लाइफ का डिसीजन लेना। कमेंट में बोलना बहुत आसान बात होती है, उस जगह पे पहुंच के दिखाओ तब मानूंगा तुमको। जिस जगह पे वो लड़की बैठी थी SBI PO, उस जगह पे पहले बैठो, उसके बाद कुछ बोलना। ये बातें बहुत लोगों को बुरी लगती हैं, लगती है तो लगने दो, फर्क नहीं पड़ता, क्यों? अपनी औकात से बढ़कर बात कभी नहीं करनी चाहिए। जितनी हमारी औकात होती है ना, हमको अपनी औकात के हिसाब से ही बात करनी चाहिए। लगेगा बुरा, बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना। चादर के बाहर पैर निकालोगे तो ठंड तो लगेगी, अपने पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। चादर के बाहर पैर मत निकालो, या तो फिर बड़ी चादर सिलवाओ अपने लिए। स्पेशली इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको बहुत ज्यादा अपने पैर पसारने हैं ना, तो लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आपकी चादर आपके पैरों को पसारने से भी बड़ी हो, आप जितना मर्जी चाहो उतना पसार सको। समझ रहे हो? तो इसको अपनी लाइफ में यूज करो, आपके लिए काम आएगा, आपके लिए ही मैं ये चीजें बोल रहा हूं। आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको ही ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, किसी दूसरे को ब्लेम करके आप जिंदगी में कुछ पा नहीं सकते। बोल के किसी को आप कुछ नहीं कर सकते। बोल लो भाई मेरे को क्या बोलना है, जो बोलना है बोल लो, गाली देनी है दे दो, कोई फर्क पड़ता है क्या मेरे को? आज तक कितने लोगों ने देते आए गाली, कोई फर्क पड़ा क्या मेरे को? मैं तो अपना काम कर रहा हूं ना अच्छे से, और मैं करते भी रहूंगा। मुझे चार लोग भी अगर वीडियो देखेंगे ना मेरा, मान लो मैंने अगर 10 घंटे भी मेहनत की और एक वीडियो डाला, अगर वो चार लोग भी देखेंगे ना तो भी मैं वीडियो डालूंगा। मुझे पता है यार वो चार लोग देख रहे हैं क्योंकि उनको जरूरत है और उनकी हेल्प हो रही है मेरी तरफ से। अगर मैंने इस करियर को चुना है कि भाई मुझे किसी को गाइड करना है, तो मैं पूरी जिंदगी करते रहूंगा। अगर आपने चुना है आपको बैंकर बनना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है कि भाई हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, तो आप करो, दूसरों के चक्कर में मत पड़ो यार। दूसरे क्या है, क्या है दूसरे? दुनिया भर की बातें बोलेंगे, फालतू फालतू की बातें बोलेंगे, बोलने दो ना। अरे मुंह खोला और भक्क से बोल दिया, क्या जाता है? मैं चाहूं तो मैं नहीं बोल सकता क्या? मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं नहीं बोलता। मुझे पता है यार कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों को। अगर मैं कुछ बोलूंगा फिर वो जवाब देंगे, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर वो जवाब देंगे, फिर मैं दूंगा। टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? उनका नहीं हो रहा है, वो निठल्ले बैठे हैं, उनके पास और कुछ काम ही नहीं है, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। टाइम तो मेरा वेस्ट हो रहा है ना, उतना टाइम मैं किसी काम पे यूटिलाइज करूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। यही चीज की सोच आपको लेकर आनी पड़ेगी कि दूसरे बोलते हैं बोलने दो ना यार, टाइम उनका वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है अगर आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो। आपको पढ़ाई करनी है, आपको जॉब लेनी है, 2000 सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। आई कैन एंड आई विल, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। मैं क्या सोचता हूं, यू कैन एंड यू विल, आप कर सकते हो और आप करके रहोगे, लेकिन आप चाहो तब तो करो यार, करो। इस जिंदगी में सिर्फ खाने सोने के लिए पैदा नहीं हुए हो, कुछ कर दिखाने के लिए पैदा हुए हो, तो करके दिखाओ ना। कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं कर रहे हो, रिजल्ट दिखना चाहिए। कब दिखेगा रिजल्ट? कब दिखेगा रिजल्ट? 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, प्री नहीं निकल रहा, ये आप बोल रहे हो। दूसरे क्या बोलते हैं, सर 6 महीने प्रिपरेशन किया हमारा पेपर निकल गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा सोचना इस बात को, थोड़ा सा सोचना इस बात को। आप अगर मेहनत कर रहे हो, कुछ गलती कर रहे हो, तभी तो नहीं निकल रहा ना, दूसरे का कैसे निकल गया? वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो,
ऐसा तो नहीं है भाई कि दूसरा बंदा जो है वो एलियन है, दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए उसका निकल गया 6 महीने में या 4 महीने में या 3 महीने में। आपका नहीं निकल पा रहा, कुछ गलती हो रही होगी, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। उस चीज को समझो, ये आप समझ सकते हो, मैं नहीं समझ सकता भाई। मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या कमी है या आपकी क्या बेस्ट क्वालिटी है, मुझे नहीं पता, ये आपको पता है। साबित करो ना उस चीज को। ऑल द बेस्ट, आई कैन एंड आई विल, यू कैन एंड यू विल।